तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज हूँ मैं बारबाडोस, क्राइस्ट चर्च बारबाडोस, मतलब एक एरिया का नाम है, कैपिटल है ब्रिज टाउन। और मतलब बारबाडोस यार किसी को भी नहीं पता होगा कि ये कंट्री है, क्या है, सिटी का नाम बोल दिया, क्योंकि ये कंट्रीज फेमस ही नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे आइलैंड हैं और ये सारे इंडिया के लिए ना, सारे आइलैंड एक दो को छोड़ के इंडिया के लिए वीज़ा फ्री हैं या फिर वीज़ा ऑन अराइवल हैं, जो कि मतलब 60-62 कंट्रीज इंडिया को वीज़ा फ्री मिलती है, उनमें से ये आइलैंड है। और यहाँ तक पहुँचना ही भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो आपको शेंगेन वीज़ा चाहिए होगा या यूके का वीज़ा चाहिए होगा, क्योंकि कोई फ्लाइट इंडिया से डायरेक्ट आती नहीं है। आपको ट्रांजिट यूरोप में करना ही पड़ेगा, कोई और आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। एमिरेट्स वगैरह आती नहीं है यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप यूएस से आ सकते हो यहाँ पे। तो फिर अगर आपके पास मतलब ये एक वीज़ा फ्री तो है इंडियंस के लिए, पर आ ही नहीं सकते आप यहाँ पे अगर आपके पास शेंगेन वगैरह वीज़ा हुआ नहीं तो। तो फिर मतलब एक तरह से यूज़लेस वीज़ा फ्री है कि भाई अगर कोई आ जाए, और वैसे भी अगर मतलब किसी के पास अमेरिकन शेंगेन होगा तो उसके लिए वैसे भी वीज़ा फ्री कर ही देते हैं आइलैंड। तो आज भाई यहाँ पे इन छोटे छोटे आइलैंड में घूमना बहुत महंगा है, क्योंकि हर आइलैंड में आपको लेनी पड़ेगी फ़्लाइट, या फिर आप अपनी प्राइवेट बोट करो और उस बोट में बैठ के आप घूमो। तो फिर हमने क्या सॉल्यूशन निकाला इस चीज़ का, यहाँ से चलते हैं क्रूजेस, बड़े बड़े क्रूज़ जिसमें 1,500-2,000 लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, और वो क्रूज़ हमको बहुत ही सस्ता पड़ रहा था। यहाँ पे हम करेंगे बारबाडोस को मिला के 5 और कंट्री, मतलब 6 कंट्री में क्रूज़ जाएगा। बारबाडोस से शुरुआत करेंगे और बारबाडोस में ही एंड कर देंगे 8 दिन बाद। आज है 29 जनवरी 2023 और हमारा क्रूज एंड होएगा 29, 30, 31, 5 तारीख को एंड होएगा, 5 फरवरी को। तो 8 दिन का एक क्रूज है और हमको बड़ा सस्ता पड़ा। हम दोनों ने बुक किया कुछ 97,500 रुपीज़ में दोनों का। तो इसमें क्या क्या कवर हो गया भाई आपका, आपका 8 दिनों का रहने का कवर हो गया, 8 दिनों का खाने का कवर हो गया, और आपका 6 कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्टेशन कवर हो गया। तो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत सस्ता है किसी भी देश में, मतलब अगर आपको ऐसे कोई घुमा रहा है 8 देशों में 8 दिनों के लिए सब कुछ कवर्ड, दो बंदों का, वो भी 97,000 में, तो मेरे हिसाब से बहुत सस्ता है। इतना तो कोई मतलब दो बंदों का, शायद थाईलैंड का पैकेज भी इतने का नहीं आता होगा, 47,000 रुपये का 8 दिनों का। तो चलते हैं यहाँ से भाई, जो पोर्ट है मतलब जहाँ पे से शिप बोर्ड करना है, इमिग्रेशन वगैरह सब होएगा वहाँ पे, क्योंकि भाई आप एक तरह से कंट्री छोड़ रहे हो शिप में बैठ के, और हर देश में जाके हमको इमिग्रेशन कराना भी पड़ेगा। तो वो है यहाँ से 10 किलोमीटर। तो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन आइलैंड्स पे है ही नहीं, क्योंकि यार यहाँ की ना GDP सही है, सारे आइलैंड्स की GDP, मतलब कोई भी गरीब आइलैंड नहीं है, सिर्फ हेटी देश को छोड़ के अमेरिकाज में ऐसे कोई गरीब कंट्री है नहीं इतनी, और ये आइलैंड्स तो बल्कि कंट्री से ज़्यादा अमीर हैं। इनकी GDP है कुछ $20,000 के करीब बारबाडोस की, और सारे आइलैंडों की ऐसी है 20,000, 22,000, 25,000, 15,000 ऐसी। तो इनका सही है, गाड़ी वाड़ी अपने गाड़ी से ही जाते हैं ये, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना ट्रेंड है नहीं। बसेस वगैरह हैं पर अभी हमारा ढूंढने का मन है नहीं। तो आज रात को 10 बजे क्रूज चलेगा, तो चलते हैं इस जर्नी की तरफ। था अपना अपार्टमेंट यहाँ पे, और मैंने आपको 47,000 मतलब एक बंदे कम क्यों बताया, क्योंकि ये हमने अपार्टमेंट बुक किया था, और ये ब्रिज टाउन बारबाडोस का सबसे सस्ता अपार्टमेंट है, और ये हमको पड़ा था 2 दिन का $130, जिसमें सिर्फ रहना रहना, कोई ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड नहीं, कुछ खाना पीना इंक्लूडेड नहीं। तो फिर इस हिसाब से तो यार बहुत सस्ता पड़ रहा है हमको क्रूज। सॉरी भाई, ये रंगीन घर यार कितने मस्त लगते हैं, बीच के पास उधर पीछे पिंक भी था, वो तो अब दिख नहीं रहा। सफेद 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 कहाँ है, सफेद रंग घर घर में है। हाँ, और ये हम आ गए भाई बिल्कुल बीच के पास, वो आ गया पोर्ट ऑफ बारबाडोस, मतलब वहाँ से इमिग्रेशन वगैरह सब होएगा हमारा, और वहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। वहाँ खड़े हैं शिप बड़े बड़े, यहाँ पे ये आ गया देखो, पोर्ट ऑफ बारबाडोस ब्रिज टाउन, ये इनका झंडा कई बार दिखा दिया मैंने। पोर्ट से ना पहले ही, वो पोर्ट है, इससे पहले ही एक दुकान पे आ गए थे हम, और यहाँ पे हम ऐसी ऐसी शर्ट ट्राई कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भाई कई सारी शर्ट हैं, मैं सोच रहा हूँ भाई 3-4 ले लेंगे, यहाँ से तो नहीं, हर अलग अलग आइलैंड से लेंगे। अभी मैंने कौन सी ले दिखाता हूँ, परमवीर को तो ये पसंद सी आ रही है, मेरे को तेरे वाली पसंद आई है, पर उसमें मेरा साइज नहीं है। ये आप तो ही बोले, नवांकुर यू आर स्मॉल, परमवीर यू आर एक्सेल। ये देखो मेरी कैसी है, तेरी मस्त है यार। और भाई इसमें सारे आइलैंड भी हैं, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। ठीक है भाई, दो ले लेते हैं, फिर दो ले लेते हैं, फिर अगले आइलैंड पे ले लेंगे ना।
तो अभी तो नीचे तो पैंट ही पहन रखी है, पर यार सही लग रही है। ये वाली ले लेता हूँ, और एक ये वाली पसंद आई मेरे को जिसपे सारे आइलैंड लिखे हैं। परमवीर ये वाली लेगा, और कौन सी, एक ये वाली, चारों अलग अलग होगी, पर इसके साइज की मेरे को आएंगी नहीं, मेरा पजामा भी बन जाएगा इसके सेट में। भाई मैं तो सही वो लग रहा हूँ, और यार सस्ती भी है, कल दुकान पे गए थे हमको इतनी बार पहननी भी नहीं है। हाँ। वहाँ पे थी भाई $50 की, यहाँ पे मिल रहे 20 की, और हम थोड़ा भी कम भी कराएंगे, चार ले ली ना हमने, और मैग्नेट भी, बाद में कुरियर करा देंगे इंडिया, ये बैग भर जाएंगे, ये यही करता है। चलो अभी खरीद के चलते हैं। क्या पहन लिया? तो भाई ये पोर्ट है, और यहाँ पे थी दुकान। दुकान में मैं आपको दिखाता हूँ जो जो कंट्रीज हम विजिट करने वाले हैं इस क्रूज पे। ये तो इंडिया का फ्लैग है, ये सेंट लूसिया जो कि हमारी आखिरी कंट्री होगी, और यहाँ से शॉपिंग तो कर ली हमने, और हम जाएंगे, ये वाला फ्लैग जो है ग्रीन कलर का, ये है डोमिनिका। अगले वाला ये है सेंट निविस एंड किटिस का फ्लैग, यहाँ भी जाएंगे। एंटीगो बारबुडा हम जाएंगे पर शिप पे नहीं जाएंगे, और फिर जाएंगे जमैका भी जाएंगे पर शिप पे नहीं जाएंगे, और वो आखिरी में बारबुडोस का है, और कई सारे फ्लैग मिसिंग है यहाँ पे जो मतलब मैं आपको नहीं दिखा पा रहा, चलो दिखाएंगे बाकी। कुछ ऐसा बन चुका हूँ मैं, बस नीचे निक्कर नहीं यार, क्योंकि यूरोप के हिसाब से कपड़े लाया था मैं, तो निक्कर विक्कर एक कहीं से खरीद लेंगे फिर, और कूल लगेंगे, चप्पल तो है ही। भाई अब हम चल चुके हैं शिप की तरफ, और वो गोरे भी जा रहे हैं ना, और खतरनाक सी टोपी ली है यार, वो पैर के चालनी थी। निकालू कार्ड, रुक जाओ दिखाता हूँ आपको, टोपी और लाया। चल धूप में बढ़िया दिख रही है, नकली वाले वाले ले आए हम। यो मैन, आई वाज गोना गो देयर मा, यो यो, आप लग रहे हैं हम हिप्पी। पर अमीर इतना बेवकूफ है ना, एक तो चेक इन का नहीं बताया मेरे को कि भाई चेक इन वेक इन करना होता है, मेरे पास तो मेल आई नहीं रहती क्योंकि मैंने बुकिंग करी नहीं थी, इसने करी थी बुकिंग। और भाई ये क्या करता है, सारे पता नहीं मेल डिलीट क्यों करता रहता है, लिमिट में रहे, समझ गया ना, बताओ। सारे मेल डिलीट कर देता है भाई, कोई भी, अभी एक तो फ्लाइट का ही मेल बुकिंग का डिलीट कर दिया, और फिर कह रहा मेरे पास PNR नंबर ही नहीं है, कोई पागल है भाई। मैं खुद हूँ ना, सारी चीजें मेरी मैनेज रहती है, जब भी तू इन्वॉल्व हो जाता है ना मेरे किसी प्लान में, सारी चीजें उल्टी सीधी होती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ सारे काम तू करेगा, तू इन कामों में तेज है, मैं तेरे भरोसे रहता हूँ। एक बुकिंग तूने कराई थी, वो तूने डिलीट कर दी, मैं तेरे भरोसे था भाई। अब यहाँ पे हमारा देखा पासपोर्ट और बुकिंग, बस और कुछ नहीं देखा। अब जा रहे हैं हम बैगेज बैगेज चेक कराने और इमिग्रेशन पे, और वो खड़ा शायद जहाज है भाई, वो अपना वो वाला, क्योंकि शायद दिन में एक ही जाता होगा यार, 2000 लोग एक साथ एक दिन में जाना काफ़ी बड़ी बात है। 2000 का मतलब ये मान लो आप 10 से 15 फ्लाइट बिल्कुल फुल जा रही है यहाँ से एकदम से। ये आ गया क्रू, पता नहीं टर्मिनल सा खाली पड़ा है, और यहाँ से शायद बस में ओरा बारबाडोस का साइन खड़ा अपना शिप, और ये है बहामास में रजिस्टर्ड है, वो देखो बहामास का झंडा उस शिप पे लगा है ना, तो नहीं डेनमार्क का नहीं, बहामास लगा है, और इसी में अच्छा बस में बैठ के जाएंगे, और ये रहा बारबाडोस। छोड़ दिया भाई बस ने हमको यहाँ पे, मतलब डॉक्यूमेंट कंट्रोल पे, यहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने हैं, बोर्डिंग पास वगैरह जैसे मतलब एरोप्लेन में होता है वैसे ही, और फिर जाएंगे आगे। दे दिया बोर्डिंग पास यहाँ से, और 2070 नंबर रूम है हमारा। आ गए, ये खड़ा हमारा शिप, एक और खड़ा है वो हमको दिख ही नहीं रहा था, ये वाला हमारा है, और वहाँ पे हम कह रहे भाई हम गरीब हैं, हमारा कमरा नीचे ही होगा, मतलब ऊपर तो अमीर लोगों का है, तो वहाँ पे हमने जान करके सस्ता कमरा लिया। तो वहाँ पे एक इंडियन खड़ा था, कहता भाई कौन सा है मेरे को बता दो, मैं बता देता हूँ कौन सा है, हमने कहा 2070, तो उसने इन रूम पे इशारा किया था। तो भाई अपना तो यहाँ डॉल्फिन भी कूदते ही ना पानी में, सो लगे अपने साथ। हाँ, तो इसी चीज के लिए तो हमने करा है, इसीलिए तो करा है। तो भाई ये हमारे क्रूज का नाम है, थैंक यू, और यहाँ से हम कर रहे हैं बोर्ड। क्या है, लिफ्ट के लिए खड़े हैं क्या? हाँ। ये भी इंडियन है।
तो भाई हम जा रहे हैं डेक टू पे, स्टेट रूम हमारा है। अबे ऊपर चला गया तो छठे पे, स्टेट रूम 2070 है हमारा, यहाँ पे होगा 2070 है हमारा, देखता रहे। ये आ गया हमारा द की टू योर वेकेशन इज हियर, वेलकम ऑन बोर्ड। तो वो भी तो आके घुसेगा, रोला मचाएगा फिर वो, थोड़ी देर तो आराम कर ही लेंगे। ले परमवीर, मेरा नाम नहीं लिखा ना, मैं इनके सिर पे जाके मारूंगा उल्टी। ओ भाई लिखा है परमवीर सिंह बेरीवाल, ठीक है मेरा है के? और दो कार्ड होंगे भाई, एक पे मेरा लिखा होगा, ये रहा। 5 फरवरी तक मिलते हैं अपने पर्सनल कार्ड से अंदर। और ये बैग खोल, भाग क्यों रहा है? ये थोड़े कपड़े टांगने के लिए हैं। अच्छा और ये देखो भाई पूरा मिरर उस तरफ से भी, भाई सही ऊंचाई पे है, हम इतना भी ऊंचा नहीं है पर ठीक है। यहाँ पे हो गए टॉयलेट, टॉयलेट कॉमन तो नहीं हॉस्टल की तरह है। अबे टॉयलेट कहाँ है? वही होगा। अरे यहाँ है, दिखाता हूँ। ये देखो टॉयलेट क्या क्या मिला है, बाथ सोप, टॉवल, ग्लास। ये भाई टॉयलेट ये बाथरूम छोटा सा हो जाता है, यहाँ पे भी टॉवल। तो भाई यहाँ पे आ गए, हो गई एक्साइटमेंट पूरी चल रही है भाई। अभी तो कुछ भी नहीं देखा हमने जहाज में, सीधा हम यहाँ पे पहले बैग रखो भाई अपने। तो ये हमारा 7 nights 8 days जैसे मैंने बताया था, और इन 7 दिनों में हम जाएंगे 6 countries इंक्लूडिंग बारबाडोस, ठीक है। पहले हम जाएंगे बारबाडोस से टोबैगो जो कि ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, और फिर जाएंगे हम ट्रिनिडैड, मतलब पहले 2 दिन एक ही देश घूमेंगे, ट्रिनिडैड और टोबैगो अलग अलग आइलैंड है एक ही देश के। फिर हम वहां से जाएंगे भाई मेरे हिसाब से ग्रेनेडा, फिर जाएंगे डोमिनिकन, फिर जाएंगे नहीं सेंट किटी से नेविस भी आएगा बीच में, फिर जाएंगे सेंट लूसिया आखिरी में, और आखिरी हमारा यहीं पे जहां से हम बैठे हैं यहीं पे छोड़ देगा जहाज हमको। तो 6 countries हम कवर करेंगे इसमें, मतलब बारबाडोस तो हो ही गई कवर, खैर तो 5 और करेंगे आने वाले 7 दिनों में। तो अभी हमको जाना है डेक 5 पे, कुछ ब्रीफिंग वगैरह है और वो सुना के आ जाएंगे और देखते हैं भाई। मैं पहली बार इतने बड़े शिप में बैठा हूँ, इजिप्ट में क्रूज लिया था 2 दिन का, पर वो मतलब मिनिएचर शिप कह सकते हो, पर ये तो भाई बहुत बड़ा है। 2,416 पैसेंजर इस पे एक साथ बैठ सकते हैं, प्लस 800 क्रू मेंबर के लगभग, तो 3200 लोग भाई एक साथ, तो सोच लो आप कितना बड़ा होगा। और हर बंदे मतलब ये तो हमारा कमरा सेकंड नंबर पे हमने लिया है, मतलब सेकंड नंबर पे महंगा कमरा था ये, इससे भी सस्ता कमरा था अगर आप इससे भी सस्ता लेना चाहो, पर उसमें फिर विंडो नहीं मिलती। तो हमने कहा थोड़े थोड़े $100 एक्स्ट्रा दे के तो हमने विंडो भी ले ली 7 दिनों के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वरना जो हमको 97,000 का पड़ा है ना, ये अगर आप और सस्ता करना चाहते हो विंडो नहीं जाते तो आप 75,000-80,000 रुपए में भी ले सकते हो। आगे रूम से बाहर और कॉरिडोर देखो भाई कितना लंबा है, मतलब बहुत ही ज्यादा भाई, पता नहीं कितने के रूम होंगे। हमारा रूम है 2070। अब चलते हैं अपने असेंबली स्टेशन पे, चल भाई। ये भाई पूरा कितनी लिफ्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिफ्ट है, इस तरफ से सीढ़ियां हैं, मस्त लग रहा है ना। इस तरफ भी सारे कमरे हैं, इस तरफ चले जाओगे सारे कमरे, इस तरफ चले जाओगे सारे कमरे। अब कैसे चलें, सीढ़ियों से चलते हैं लिफ्ट से? ये देखो भाई हमने डिसाइड किया कि सीढ़ियों से चलते हैं। और ये हम आ गए, हमारा रूम जो है डेक 2 पे है, मतलब थोड़ा सस्ते वाले रूम ना डेक 2 पे है, हालांकि हमारा सबसे सस्ता नहीं है। और देखो भाई यहाँ से स्टेट रूम फाइंडर 2070 में लिखूँगा अपना, तो ये आ गया, यू आर हेयर, स्टार्ट द सेफ्टी ब्रीफिंग एट द एपन। अरे ठीक है भाई, पता नहीं क्या है। देखो ये अपना 12 decks है अपने शिप में ना, हम इतना नीचे हैं शिप में, 9वें डेक पे खाना वाना खाने जाना है, पता नहीं और डेक्स पे क्या, अभी धीरे धीरे पता चलेगा क्या है। ये लिखे हैं मूस्टर स्टेशन के नंबर, अपना 12 है, इस तरफ नहीं, इस तरफ सारे ऑड हैं, उस तरफ हैं सारे इवन। सिक्योर द बकल ओवर हियर एंड देन अनदर वन हियर,
पे क्या है, सेफ्टी ब्रीफिंग दे रहे थे ये कि भाई अगर शिप डूबने लग जाए तो क्या करना है। लाइफ जैकेट पहननी सिखाई, एरोप्लेन की तो बहुत बार देखी है भाई कैसे पहननी है। ये लाइफ जैकेट हमारे रूम में रखी है, तो इन्होंने बताया कि भाई जब मतलब ऐसी सिचुएशन आएगी तो एक अलार्म बजेगा। वो अलार्म मेरे को समझ में नहीं आया भाई, जब डूब रहा होगा तब समझ में ही आ जाएगा क्या करना है। तो आपको अपने मस्टर स्टेशन पर जाना है, ये जैसे मस्टर स्टेशन 12 है, तो हमको अपने इस मस्टर स्टेशन पर जाना है और यहाँ पे मतलब इकट्ठा हो जाना है। तो ऊपर आप देख रहे हो लाइफ बोट्स, इनमें हमको बिठा के भेजेंगे फिर ये। देखो हमको ना ऑप्शन नहीं मिला था ऑनलाइन जब हम बुक कर रहे थे, क्योंकि फुल हो गए थे सारे स्लॉट्स। तो इन्होंने हमको डाइनिंग दिया है भाई 5:30 बजे, हमारे कार्ड पे लिखा है डेक 4 टेबल नंबर 115, इसी पे बैठ के खाना है। तो भाई ये देखो, ये है डेक 4, ये डेक 5, ये डेक 6, वो डेक 7। ओ भाई ये तो एलिवेटर्स भी हैं भाई यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ही मतलब 12 तो स्विमिंग पूल होगा ना, 5, 6, 7, 8 तक दिख रहे हैं इसमें भाई। ये है भाई देखो असली इलाका, यहाँ पे है आइसक्रीम स्टेशन, सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक फ्री। आगे हम डेक 10 पे, क्योंकि परमवीर ढूंढ रहा है जिम। यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है और यहाँ से स्विमिंग पूल। पता नहीं हर कंट्री में चेंज होएगा झंडा या यही रहेगा। डेक 10 पे सबसे ऊपर है, रॉक क्लाइंबिंग भी है। अरे शिप का आ गया बैक पार्ट। फ्लोर पे है कुछ ऐसा जिम, उस तरफ भी है। परमवीर को ठीक लगा भाई, मेरे को तो इससे कोई मतलब है नहीं इसका। डेक 9 पे है एक आउटडोर पूल है, सामने की तरफ मतलब बीच में कह सकते हो, और ये पीछे की तरफ एक इंडोर पूल है। मतलब जब तूफान में से जाएगा शिप शायद बंद तो सारे पूल हो जाएंगे, पर ये सही है बारिश बारिश में ना। पूल के पीछे भाई एक है टेबल टेनिस कोर्ट, साथ 2 टेबल हैं, पर हमको बॉल ही नहीं मिल रही, वो मिल गई। यहाँ पे चल रहे हैं गाने और एक मतलब म्यूजिक ट्रेनर, वो डांस ट्रेनर भी है, वो सिखा रही है सब। वैसे ही नाच रहे हैं, मतलब जिसको नाच रहा है, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। टाइम हो गया है 5:30 और यहाँ पे लग गई है लोगों की लाइन खाना खाने के लिए, जिन जिन की रिजर्वेशन 5:30 है भाई। यहाँ पे 115 नंबर नहीं, हाँ 115 है। ये रहा अपना टेबल 115, वेटर का नाम है रूथ और असिस्टेंट वेटर पेट्रूस। रूथ पेट्रूस भाई, डिनर मतलब हमको यहीं करना है 115 नंबर टेबल पे 5:30 बजे। बुफे सिस्टम नहीं है कि खुद उठा के लाना पड़ेगा, यहाँ पूरा मेन्यू दे दिया कि ये चीज़ें आप इसमें से बता दो, एक एक चीज़ बता दो क्या खाओगे। जैसे स्टार्टर में ये है, तो हमने पूछा भाई इंडियन में बताओ, तो ये था चिकन साग, इसमें बासमती राइस, रायता, रोटी, पापड़ सब है। मैं तो यही खाऊंगा भाई मेन कोर्स में, ठीक है। और क्लासिक नहीं, डेजर्ट में देखते हैं स्टार्टर में। और ये है भाई स्पेशल, अगर आप मतलब मंगाना चाहते हो, और ये $30 का, इस पर 18% आपको वो भी देना पड़ेगा टिप टाइप। वेट लिस्ट होगी 500 लोगों की, तो बैठने की जगह है, बड़े आराम से होगी यार। और बूफे इसलिए नहीं यार, इतने सारे लोग आएंगे खाने, एकदम से बूफे की लाइन में लग जाएंगे सब, मतलब भीड़ भड़क्का सा हो जाएगा। तो हम सोच रहे थे बूफे होगा, पर नहीं है, अच्छा है और नहीं है, क्योंकि भाई इतना कौन लाइनों में लगता है ना। स्वाद आ रहे है, फूल ऐसा लग रहा है कि बिलियनेयर है कसम से, जबकि खाते में 1 रुपया नहीं है। एक बंदे के लिए चम्मच देखो कितने रख रखे हैं, ये तो खैर नहीं, ये भी अपनी प्लेट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तरह के चम्मच रख रखे हैं, मतलब चम्मच, फोक, नाइफ। और परमवीर का तो पहले कुछ आ गया स्टार्टर में, कुछ स्टार्टर में ऑर्डर नहीं कराया, मेरे को समझ से में नहीं आ रहा था। और ये जो आया है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा खा के देखूंगा यार। थोड़ा हमारा ना डाइनिंग का टाइम थोड़ा मतलब मेरे को अजीब लगा 5:30 बजे, क्योंकि एक तो हर रोज दिन हमारा सनसेट मिस हो जाएगा इस हिसाब से, तो क्योंकि बैठे बैठे भी 6 तो बजी गए हैं। तो पता नहीं, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम ऑर्डर करके चले जाएं, क्योंकि आने में 15-20 मिनट तो लगेंगे, ऊपर सनसेट इंजॉय करके आ जाएं और फिर आ जाएं खाने। तो देखेंगे करेंगे, आज पहला दिन है, क्या होता है। मजे आ रहे हैं भाई मेरे को तो फुल। क्या तो गया यार अपना, रोटी इसमें डुबो दी इन्होंने, और भाई
आधा एक एक चौथाई पापड़ और चावल भाई, इसमें तो कुछ भी पेट नहीं भरने का। अरे उसमें बड़ा कुछ हो रहा है, तू दो बुड़के में खा गया स्टार्टर। क्या था उसमें? एक वन टेंथ एप्पल, हाँ नौ। क्या आ गया हमारा डेजर्ट? डेजर्ट 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 कुछ भी कह लो, चलो मीठा आ गया ये। चॉकलेट केक खाते हैं भाई। एक दिक्कत और क्या है यहाँ पे, पानी या तो आप खरीदो या फिर जो बार रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ पे आप पानी का गिलास मांगोगे तो दे देंगे फ्री में। तो पर यार रात को प्यास लगती है मेरे को बहुत बार, तो इसका मतलब ये थोड़े रात को मैं बाहर जाऊँगा पानी पीने। तो परमवीर अभी जिम गया था, परमवीर कहता है जिम में फ्री है भाई पानी, बोतल ले अपनी, 9 बजे बंद हो जाएगा जिम और भर ले। मैं बोतल लेके आ गया अपनी, पी लेंगे और भर भी लेंगे। तो रोज़ रात को ये करना पड़ेगा भाई पैसे बचाने के लिए। और अभी तक हम बारबाडोस में ही खड़े हैं, चले नहीं हैं। 10 बजे सेलिंग स्टार्ट होगी, ये आ गया जिम। तो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, रात को मतलब सुबह पूरा भरा पड़ा था। बारबाडोस में ही अभी तक हम, 1 घंटे में चलेंगे। ओ भाई ये मस्त लग रहा है यार क्रूज़ का, ऊपर चांद भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हो कसिनो, और इसमें हम अभी अभी हार के आ गए हैं $55। 3 बार बैट लगाई रूले में, 3 बार हार गए। पर सही यार बैट लगा रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एक बार लगा के भड़क मिटा लो अपनी। अब मेरे को भड़क नहीं होगी यहाँ पे आने की।